ये है वो हथियार जिससे अभी काटेंगे रंगे। गाइस ये भाई साहब हैं, हम ये इस होटल के ओनर हैं, हम इनके होटल में रुके हैं दो दिन से, काफ़ी अच्छे आदमी रहे हैं, काफ़ी अच्छा बिहेवियर है उनका, काफ़ी अच्छा बिहेवियर है इनका। नवीन से पूछे है नवीन? हाँ काफ़ी अच्छा बिहेवियर है, अच्छी फैसिलिटी है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंडियन और इंडियन लोग भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी मंदिर में, तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर के खूबसूरत से नज़ारे। तो गाइस आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है? आज के ब्लॉग में अद्भुत अद्भुत भाई साहब, जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं है, खाली सुना था वो आज हम अपनी आंखों से, चलो दिखाते हैं आपको भी। तो चलो जी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं हम, तो वो सामने मेरा मंदिर, और देखो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गया। तो अच्छा 6:46 हो रखा है और हम पहुँच गए मंदिर में, तो यहाँ पे लगभग 8:30-8 से स्टार्ट हो जाएगा मेला ना। चलो दिखाएंगे आपको। दिल को इतना सुकून मिला यहाँ के, लगा हमने 18 घंटे का ट्रेवल हमने तय किया पैदल, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है भाई, हमें उसका फल मिल गया हमें यहाँ सही भी मिला। तो चलो जी अब आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ जिस चीज़ के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। देखो रात भर यहीं पे थे, बस थोड़ी देर में कटने वाले हैं। तो चलो जी थोड़ी देर बाद माँ भगवती की डोली उठने वाली है, तो वो दिख रही है, तो अभी माँ भगवती इसमें विराजमान होके यहाँ से परिक्रमा करेंगे, तो उसके बाद कटेंगे ये वाले रंगे यहाँ पे जो दिख रहे हैं। तो क्या सामने में देख सकते हो सनराइज भी हो गया, ये बस कुछ देर बाद ये रंगे कट जाएंगे और माता की डोली जा रही है अंदर, तो इसमें विराजमान होके आएंगे माँ भगवती। माता के दर्शन और मुझे मेरे साथ वाले मिले। हेलो 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 आजा। तो माता की डोली चलेगी यहाँ को, तो मैं जाता हूँ भाई लोगों के पास, माता की डोली चलेगी वहाँ को, तो हम थोड़ा सा फोटो शूट कर लेते हैं, कल भी नहीं की थी हम भाई लोगों ने। हाँ, तो चलो फिर यहाँ पे ये माँ भगवती का मंदिर, तो यहीं पे फोटो शूट करते हैं। चलो
यहाँ पे लगा लेते हैं टीका का, आ जाओगे यहीं पे लगा लेंगे। तो चलो जी टीका लगा लिया, तो भाई लोग लगा रहे हैं, सभी लोगों ने टीका लगा लिया, तो कैसा लग रहा दिखाओ। बढ़िया। और नेपाल में तो ना टीका भी इतना बड़ा लगा था भाई, ये देखो दिखा दो जी। अभी हम फोटो शूट कर रहे थे मंदिर में, तो हमें कुछ भाई लोग मिल गए नेपाल से। और कैसे हो? हम ठीक है। नाम बता दो अपना। अपना नाम प्रवीण जोशी। प्रवीण जोशी, आपका? नवीन जोशी। चलो जी, ये मिल रहा है हमें भाई लोग नेपाल से। मेलोल नगर पालिका है सलीना। बस थोड़ी देर और वेट करो, ये सब कटने वाले हैं। और नाम क्या आपका? नाम दमर भट्टा है। रमन दमर भट्टा भटजी। तो ये है भटजी, और हमारे साथ जो हैं जो ये भाई साहब, ये भी भटजी है। ये अच्छा। भाई बिरादरी के मिल गए तुम्हारे? हाँ जी, मोड़ा के बस जी। बहुत देर होगी मेले में घूमते घूमते, तो कुछ खा पी लेते हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे महत्व नगर शॉपिंग सेंटर, चले लगाएंगे। तो चलो जी, हम घुस गए यहाँ पे महेंद्र नगर चौमिन सेंटर पे। क्या खाएं? चलो जी, चाउमीन आ गई हमारी, तो कल खाई थी वो भी सही हो रखी थी। चाउमीन तो खा ली है। हाँ खा लिया। आपने सब बात करते हैं चार चौमिन। भारू बताना, भारू नेपाल के नाम। चलो फिर ठीक है। हाँ तो गैज, अभी जो रंगे कटने वाले हैं ना, वो कटेंगे यहाँ पे। और ये भाई देखो, हथियार देखो, इसी से काटेंगे, ये इससे काटेंगे ना। तो भाई मिल रखे हैं नेपाल से, और बढ़िया। तो देखो ये है हथियार जिससे काटेंगे अभी रंगे। तो सभी भाई लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। पकड़ सकते हैं इसको, हम पकड़ सकते हैं। तो गैज, ये है वो हथियार जिससे अभी काटेंगे रंगे। रंगे ही बोलते हैं ना। थैंक यू भाई। हाँ, तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना गाइस, ये देखो यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है इस साइड को। तो ये और उस साइड भी दिखाया था हमने दुकान, और उस साइड का भी दिखाया। हमें जानने वाले कुछ भाई लोग मिल रहे हैं जिन्होंने हमारी वीडियो देख रखी है पहले। और बढ़िया बढ़िया। नाम बता दो अपना। अपना मेरा नाम करण चंद। हजारी चंद। नरेंद्र चंद। चलो अच्छा लगा भाई लोगों से मिलने वाले हैं। अच्छा कहाँ गए? अच्छा पंचेश्वर महाकाली वाला। चलो जी, इनसे मिलकर अच्छा लगा, ये हमें जान देते, हमें खुशी हुई है। और नेपाल में भी हमें इतने लोग जानने वाले हैं, और भी लोग हैं जो हमें मिले थे अभी, तो पड़ोसी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है यहाँ का। बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया लग। पहली बार ही आए और इतनी भीड़ देख रहे हैं। पैदल आए थे हम तो यहाँ से, फिर गाड़ी में हम आए थे यहाँ से डिमर। चलो बढ़िया लगा। हम आ गए रंगों के पास, बस इनको काटने की तैयारियां चल रही है। सभी लोग देखो, भीड़ कितना इकट्ठा होगी यहाँ पे। और यहाँ पे हैं ये, इनको ले जाएंगे तो वो वहाँ पे वहाँ काटेंगे। तो गाइस देख सकते हो, काटने से पहले सेवा चल रही है, केले खिला रहे हैं। इनका होगा ना ये? दस मिनट का और वेट करना है। देखो सब लोगों को साइड करने लगे हैं, और रस्सी के सहारे से ना पूरी बाउंड्री बना रहे हैं यहाँ पे, और पुलिस फोर्स भी लगे यहाँ पे। तो सबकी नज़रें हैं रंगा कब कटता है। तो चलो यहाँ पे खाली कर दिया इन लोगों ने, और देखो पूरी रस्सी लगा करना, पूरी बाउंड्री बना दी है सेफ्टी के लिए पूरी, और उस साइड को पुलिस फोर्स लग गई है। तो गाइस देख सकते हो, हथियार लेके तैयार है वहाँ पे वो।
जय माँ भगवती। तो गाइस अभी मैं हूँ ये माँ भगवती की डोली के पास। तो अभी यही इसी में माँ भगवती विराजमान होके परिक्रमा कर रहे थे। तो हमारे साथ ये बुल्लू भाई और प्रकाश। और तो गाइस नीचे तो रंगे कट ही रहे हैं और देखो भीड़ कितनी इकट्ठा हो गया और अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। तो हम लोग ऊपर आ गए, नीचे से तो दिख ही नहीं रहा था। तो जितना भी मैंने दिखा रखा है वो सब आपको देखने को मिल गया होगा। बस एक बार और ट्राई करते हैं यहाँ पर खड़े होने की, अगर दिख जाए तो। नहीं तो भाई देखो कैसे देखना हो रहा है, ये दिख रहा है कुछ? दिख रहा है लेकिन जगह नहीं हो पा रही है भाई साहब। कैसे चढ़े हैं पेड़ों में देखने के लिए? हेलो हेलो। तो क्या आपने देखा उस साइड कितनी भीड़ थी और यहाँ पे देखो इस साइड भी पूरी भीड़ पड़ी है और उस साइड वो रंगा काट रहे जहाँ पे वहाँ पे भी भीड़ है। तो हम लोग चार गुना ज़्यादा है यहाँ है, चार गुना ज़्यादा बहुत भीड़ है। तो हम तो सुबह से आप लोगों को भीड़ दिखाने में कितनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे ना प्राथमिक उपचार के भी साधन है यहाँ पे, ये अगर किसी को हल्की सी चोट पटक आ जाती है तो यहाँ पे इलाज करा सकता है। तो यहाँ पे सुविधा है। स्वतंत्र उम्मीदवार सब नेपाल से, एमपी के हैं हम, इंडिया से हैं। कहाँ से? इंडिया से। कौन सी जगह? जय हिंद जय नेपाल। दोनों राष्ट्र की मित्रता रहे आपका यहाँ पर स्वागत है। हमारे भी पहले के राजा वहीं से तो नेपाल आए, नेपाल से वहाँ गए। हमारे दोनों देश के बहुत मित्रता है। पंचशील के आधार नाम त्रिलोक बहादुर चंद बबलू है। हम इंडिया से पढ़े हैं, पीएचडी मेवाड़ यूनिवर्सिटी किए हैं। जी जी जी। अच्छा लॉयर है वैसे हम। ये धोनी है, हम धोनी हम यही धर्मा से गए हुए कुमार। वहाँ हमारे हैं जनरल भरत चंद सिलधाम में, शमशेर चंद है भाजपा। हम यही होटल में ठहरे हैं। तो चलो जी बहुत देर मेले में घूमेंगे, सुबह से घूमने में भाई भर में। और अभी टाइम हो रहा है 10:03 नेपाल में। ये भाई बढ़िया। तो भाई का नाम? मेरा नाम विनोद पुजारा। जी जी जी। मैं इधर नेपाल में रहने वाला हूँ, बैतरी जिले में। ये मंदिर के पुजारी भी आप ही लोग हैं ना? हाँ हमें। तो भाई मंदिर में जो पूजा वूजा लगाते हैं वो यही लोग हैं, यही लोग लगाते हैं मंदिर में पूजा वूजा। और इनके साथ आए एक भाई, भाई का नाम रवि। रवि पुजारा। सब पुजारा हो? पुजारा। तो भाई के पास ड्रोन भी था तो कल मिले थे, बात हो रखी थी लेकिन अभी आ नहीं पाया किसी कारण बस। चलो भाई लोगों से मिलके अच्छा लगा, मिलेंगे आगे भी। कब जा रहे हो उधर? अभी हम निकलेंगे शायद शाम को या कल निकलेंगे सुबह। सुबह बस भी जाती है भले ही ना, हम जाएंगे कुल्लो में। यहाँ कुल्लो ये शिवनाथ से आगे क्या है, बढ़िया मज़ा आ गया। पहली बार देखा मज़ा आ गया। अगले साल भी आज बिल्कुल। हमने सुना था ना कि मतलब इतने रंगे कटते हैं और ये मतलब इतनी भीड़ होती है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया मंदिर है, ये हमने सब जो सुना था ना आज रियल अपने आप में देख लेना। हमने कहा वाक्य में जो बात है बताई गई थी हमारे मतलब द्वारा आज रियल में है। अच्छा ठीक है, जरूर। ओके चलो ठीक है, बाय। ठीक है बाय। मिल के बहुत अच्छा लगा। हेलो भाई। ईमान है? ईमान। ईमान। चलो जी एक भाई और मिल रखे हैं मैं नेपाल से। कैसे? बढ़िया। कहाँ रहते हो आप? खलगांव। वैसे कहाँ रहते हो? इंडिया में। इंडिया में। मुंबई। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? इंडिया नेपाल कल्चर ब्लॉग। एक छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं, कह रहे फोटो क्लिक कर दो करके और हमें फेसबुक मैसेंजर में भेज दोगे। तो ये हैं बच्चे। हेलो नाम बता दो अपना अपना। मेरा नाम विशाल है। नीरज। संदीप। तो भाई लोगों की फोटो क्लिक करके इनको भेजिए मैसेंजर में ना। ठीक है तो इसमें भी देख लेना यूट्यूब में। तो चलो जी हमारा होगा फोटो और वो कर रहे हैं। मेला कैसा लगा? मेला भी बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ा सौभाग्य ये हम लोगों का कि हम लोग आपस में मिल गए हैं और काफ़ी तमन्ना थी कप्तान से धोनी हयातदा से मिलने करके और साथ में भाई लोग भी मिल गए हैं। तो देखो इतने लोग एक साथ मिले हैं और एक जगह के, यहाँ शायद इंडियन लोग बहुत बहुत मिले हैं, लोग हैं ऐसे है ना। तो जहाँ भी हम लोग बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रही है। प्रकाश भाई। प्रकाश भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, बस जिंदगी में मजे। तो गाइस तो आप सभी का एक बार मेरी तरफ से भी इंडियन नेपाल कल्चर ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस मैं भी एक ब्लॉगर हूं और मेरा चैनल है सामंत ब्लॉग करके। मैं भी उत्तराखंड और नेपाल के तमाम सारे संस्कृति और प्रकृति जो भी जुड़े होते हैं रियलिटी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, सामंत ब्लॉग से जुड़िए। और इसी तरीके के वीडियो आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। थैंक यू।
तो गाइज ये भी लगभग कल्चर की वीडियो डालते हैं अपने चैनल में, तो ज़रूर इनके चैनल पर जाओ और देखो। चलो जी हम आ रखे चाय पीने के लिए, तो भाई लोग बिस्किट लेके आ गएंगे। कौन सा है? कोकोनट क्रंच। मासू खानी हो? मासू मांस खानी हो? चलो जी हमारी बन गई है ब्लैक टी। तो यहाँ पे ना ब्लैक टी ज़्यादा चलती है, तो हमने सुबह भी पी थी, वो भी ब्लैक टी थी और ये भी ब्लैक टी। अरे भाई लेमन दे दे यार। तो चलो जी चाय हाय पी के हम निकल रहे हैं सभी भाई लोग। तो हमारा प्रोग्राम बनाया कि हम घर के लिए निकल रहे हैं, तो देखते हैं अभी जाएंगे हम कुल्लू के लिए। तो कुल्लू तक गाड़ी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पैदल निकलते हैं कुल्लू तक और वहाँ से जाएंगे कल सुबह। और बढ़िया बस। चलो जी आप मेली को करते हैं बाय बाय और हम निकलते हैं रूम के लिए, होटल के लिए। तो भाई लोग सामन भाई ये और ये भट जी और मैं और भाई लोग आगे चलेंगे, बस निकलते हैं अब रूम के लिए और वहाँ से प्रोग्राम बन रहा है हमारा पैदल जाने का, गाड़ी मिल गई तो गाड़ी में कुल्लू तक। तो चलो चलते हैं अब यहाँ का हजूर सब तो बहुत। तो चलो जी हमें एक गाड़ी तो मिल गई, यहाँ से जाएगी वो सरमैली और वहाँ से हमने घाट जहाँ पे जाना है वहाँ पे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे वहाँ से पैदल। तो चलते हैं वहाँ तक, तो जाते हैं तो बैग वैग ले आते हैं फिर मिलते हैं आपसे जी। होटल में पहुँच गए हैं हम, जल्दी से सामान हम पैक करते हैं फिर निकलते हैं। हम तो हो गए रेडी, सामान वामान पैक कर लेना तो सारा, और भाई लोग हो रहे रेडी तो बैग तैयार कर रहे हैं। चलो जी फिर चलते हैं दादा। अच्छा लगा बहुत, अच्छा मिल लगा दादा आपसे मिलके ना, बहुत अच्छा। बिल्कुल मिलेंगे फिर कभी, मिलेंगे मिलते रहेंगे अब तो बस। तो गाइज मैं टाइम दिखाता हूँ आपको, 11:34 हो रहा है। देखो अभी मेला ख़त्म हो गया, हमने सोचा था शाम तक चलेगा तो सारे लोग जाने लग गए, तो भाई लोग भी तैयार हो गए ये और ये लोग। ओ भाई साहब भटजी चल दो यार, चल दो भाई साहब बस हो गया। तो एक बार बोल के आते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनसे बोला था हम कल जा रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम बन गया आज का, तो बस निकल रहे हैं हम लोग।